हे गाइस, वेलकम बैक इन क्विक फिक्स टेक। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज रविंद्र सिंह। दोस्तों, आज है संडे और आज सुबह से ही मौसम काफ़ी सुहावना है। आज थोड़ी सी ड्रिजलिंग भी हुई थी और जो है उसके बाद धूप निकली हुई है, तो टेम्परेचर जो है आज का ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ टेम्परेचर और टाइम, दोनों चीज़ आप देख लीजिए, फिर आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लिया आपने टेम्परेचर और टाइम। तो दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरा इन्वर्टर, और जो है मैंने सुना है बारिश के बाद जो है जो धूप बारिश के बाद जो धूप निकलती है उसमें सोलर पैनल बहुत अच्छे से काम करता है, तो वही चेक करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो मेरे साथ साथ आप भी जान पाएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है 350 वोल्ट का सोलर पैनल और ये UTL गामा प्लस, दोनों मिलकर कितना फ़ायदा हमारा करा रहे हैं। तो अभी जो है ये एम्पियर पर सेट है, ये बैटरी को चार्ज कर रहे हैं 8.4 और 9 एम्पियर लगभग। ये देखिए 8.8, क्योंकि बादल आ रहे हैं जा रहे हैं 9, तो यही मान लीजिए 8-9 एम्पियर जो है चल रहे हैं। तो अभी ये जो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं वो एम्पियर हैं, और आगे चलते हैं हम, ये जो वोल्ट आ रहे हैं आप देख रहे हैं वोल्ट 13.8 वोल्ट बैटरी के हैं, 13.9 वोल्ट मतलब लगभग बैटरी चार्ज है। ये मैंने ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं, मतलब मैंने जो है ग्रिड की लाइन काट रखी है, ये सोलर पे ही है। तो ये जो है ये तो यूनिट्स हैं। अभी देखिए ये जो एम्पियर आ रहे हैं सोलर से आ रहे हैं, सोलर पैनल से 8.4, तो 7.9, तो 8 से 9 एम्पियर जो है चल रहे हैं। मैक्सिमम इसका 9 ही होता है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ 350 वोल्ट का मैक्सिमम एम्पियर कितना आउटपुट है, ये देख लीजिए आप। तो ये मैक्सिमम पर काम कर रहा है अपना, जितना इसको देना चाहिए टॉप पर उतना ये दे रहा है, 9 एम्पियर के आसपास सोलर से हमें मिल रहे हैं। तो आगे चलते हैं 32.34 वोल्ट, तो यही 33-34 वोल्ट आ रहे हैं सोलर से, क्योंकि ये वेरी होता रहता है क्योंकि बादल आते रहते हैं। तो अभी ये लोड चल रहा है दोस्तों इस इन्वर्टर पर, 8 और 7% जो है ये इतना लोड चल रहा है। तो जो भी एम्पियर आ रहे हैं वो लोड भी चला रहे हैं और जो है बैटरी चार्ज भी कर रहे हैं। तो ये सब तो हर्ट्ज हैं। फिर आ गए हम बैटरी के एम्पियर जिससे चार्ज हो रही है बैटरी, ये चार्ज हो रही है 8-9 एम्पियर से। तो दोस्तों 9 एम्पियर हमें जो है मिल रहे हैं और 9 ही एम्पियर से बैटरी चार्ज भी हो रही है, और जो बूस्ट करके बना रहा उससे ये जो है लोड ये चल रहा है। ये देखिए ये लोड जो चल रहा है वो उसी से चल रहा है जो बूस्ट करके जा रहे होंगे, बाकी जितने भी बन रहे हैं उतना उतने से, ये देखिए 8 एम्पियर से चार्ज हो रही है 9 एम्पियर से, और 9 ही एम्पियर ये बना सकता है मैक्सिमम सोलर पैनल। तो देखते हैं सोलर पैनल, ये देखिए सोलर पैनल 9 एम्पियर, तो जितने एम्पियर बना रहा है उतने ही एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। मैंने ग्रिड की लाइन काटी हुई है इसलिए स्क्रीन आपको ग्रीन दिख रही है। तो देखिए 9 एम्पियर से आ ही रहे हैं सोलर पैनल से, और 9 ही से चार्जिंग हो रही है और लोड भी चल रहा है। तो ये जो लोड चल रहा है मेरे ख्याल से जो बूस्ट करके जो एक्स्ट्रा होगा उससे लोड उसको लोड चला रहा है। अब ये देखिए 27-25% हो गया है 24, क्योंकि अभी जस्ट कूलर चलाया है, तो नीचे चल रहे हैं मेरे ख्याल से 2 पंखे चल रहे होंगे, 2 या एक ही चल रहा होगा और एक आध LED बल्ब चल रहा होगा, और अभी चल गया ये कूलर, तो ये 22-25% जो है लोड हो गया है। तो अभी देखिए लोड बढ़ गया है तो इसका मतलब चार्जिंग करंट भी कम हो गया होगा। तो चलते हैं देखते हैं चार्जिंग करंट कितना है, 13.4 वोल्ट हो गए बैटरी में, और ये जो सोलर से आ रहे हैं 9 ही एम्पियर आ रहे हैं, 8 और 9 एम्पियर आ रहे हैं, तो ये वेरी होता रहता है, कोई बात नहीं। हमें देखना है बैटरी को कितने वोल्ट एम्पियर से चार्ज हो रहा है। अब ये देखिए तो अब बिल्कुल ही बैटरी को चार्जिंग जो है बहुत कम जा रही है, 0.6 एम्पियर जा रही है,
क्योंकि सारा जो है लोड में लग गया है, ये लोड ज़्यादा चल गया है। तो बैटरी लगभग चार्ज ही है। तो लीजिए, अभी मोटर भी चल गई है। तो एक बार इसने जो है रेड स्क्रीन हुई थी वो एरर शो किया था, क्योंकि एकदम से पहले ही लोड ज़्यादा था और अब एक मोटर और चल गई है तो 100% तक गया था, अभी फिर डाउन हो गया है। तो अभी ये 67% अभी देखिए अभी बैटरी से चल रहा होगा। तो मोटर भी चल रही है, कूलर भी चल रहा है दोस्तों। तो थोड़ी सी एक हामिंग की आवाज़ आई थी, आपने शायद नोटिस की हो इन्वर्टर में, क्योंकि एकदम से लोड बढ़ता है, कूलर भी चल रहा है और फिर ऊपर से मोटर भी चला दी गई है, तब बैटरी बैकअप पे चल रहा है सब कुछ। अभी देखिए बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ये देख सकते हैं आप, बैटरी डिस्चार्ज होने लगी है, 12.2 वोल्ट हो गए हैं एकदम से। तो सोलर से कितना कुछ आ रहा है वो देख लेते हैं। सोलर से वही आ रहे हैं 9 एम्पियर के आसपास आ रहे हैं सोलर से। तो बूस्ट वास्ट करके आपका हमारा लोड चल रहा है और बाकी जो बैटरी से बैकअप लिया जा रहा है। तो जो सोलर से आ रहा है, बन पड़ रहा है, वो सोलर से मिल रहा है और जो बाकी है वो बैटरी से लिया जा रहा है। मेन ऑफ है दोस्तों, ये ग्रीन है, जैसे ही मैं ऑन करता हूँ मेन तो ये ऑरेंज हो जाएगी, आप देख पाएंगे। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए स्विच ऑफ है, मैं ऑन कर देता हूँ, अब इधर ऑरेंज हो गई होगी, हो जाएगी। ये देखिए ऑरेंज हो गई, देख रहे हैं, अब जो है मेन पे आ गया इन्वर्टर। जो ये है, अब बैटरी को चार्जिंग हो रही है 13 एम्पियर से। तो 10 एम्पियर तो जो ग्रिड से आ रहे हैं वो 10 एम्पियर हैं, और जो एक्स्ट्रा एम्पियर हैं वो आपके सोलर से आ रहे हैं। तो ये जो भी 17 है, तो मतलब 10 एम्पियर से ही ग्रिड के लेगा, ये ग्रिड के 10 एम्पियर ही चार्जिंग को जाएंगे बस, और जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो सारे सोलर के हैं। तो आगे चलते हैं, 13.8 वोल्ट हो गया, मेन जोन आ गया है, मेन जोन 241 वोल्ट। ये यूनिट्स हैं जितनी सेव हुई है, और ये आपके जो सोलर से हमको एम्पियर आ रहे हैं वो दिख रहे हैं, 9 एम्पियर। तो इतने ही आ सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट, ये सोलर 350 वोल्ट के सोलर पैनल का 9 एम्पियर, 8 पॉइंट कुछ है, तो वो आपको स्क्रीन पे फिर मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो पूरे आ रहे हैं जितने उसके आने चाहिए, जितने वो दे सकता है वोल्ट हैं। ये 16 एम्पियर से चार्जिंग हो रही है, मैंने बूस्ट चार्जिंग को बंद किया हुआ, यहाँ देख सकते हैं आप। ये अगर बूस्ट चार्जिंग में ऑन करता हूँ तो फिर ग्रिड से जो है 15-16 एम्पियर से चार्जिंग होगी, बट मैंने ये ऑफ़ किया हुआ है तो 15-16 से जो चार्जिंग हो रही है वो जो है 10 एम्पियर ग्रिड के हैं, और 6 जो हैं एम्पियर, 6-6.5 एम्पियर वो सोलर के हैं। अभी जो लोड है वो मेन से ग्रिड से चल रहा होगा। तो ये जो लोड है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, परसेंटेज कहाँ है, देखिए परसेंटेज नहीं आ रही है, वो इसलिए नहीं आ रही है, मैं रोल कर रहा हूँ स्क्रीन को, पर परसेंटेज नहीं आएगा आपको। तो वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि लोड ही नहीं है इस पर, वो सादा डायरेक्ट ग्रिड से हो गया है लोड, तो इसलिए ये दिखा नहीं रहा है कि इस पर कितना लोड है। जो भी जनरेशन हो रही है एम्पियर की, ये जो जनरेशन हो रही है वो सारी बैटरी को जा रही है, ये जितना भी बना रहा है वो बैटरी को जा रहा है, और लोड जो है मेन ग्रिड से चल रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि सोलर में ये जो दिखा रहा है सही दिखा रहा है कि नहीं, 9 एम्पियर जो दिखा रहा है 8 पॉइंट कुछ, वो सोलर से आ रहे हैं नहीं, हम मल्टीमीटर से और चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम इसको कर देते हैं, अब हम चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हैं हम अपने पैनल पर, और
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मीटर है और मैं इसमें सेट कर चुका हूँ 10 एम्पियर, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक का ये चेक कर सकता है मीटर। तो मैं अभी ये पैनल के जो ये वायर हैं इनमें मैं लगाकर एम्पियर आपको चेक करा देता हूँ। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। मैं पॉजिटिव में पॉजिटिव प्रोब लगा देता हूँ और नेगेटिव में नेगेटिव प्रोब लगा दूँगा, आपको एम्पियर दिख जाएंगे। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो अभी देखते हैं एम्पियर क्या दिखाता है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, 8.8081, मतलब कि 9 एम्पियर पूरे बना रहा है ये। और अगर बात करें इसके वोल्ट्स की तो वोल्ट्स भी देख लेते हैं। तो वोल्ट देख लेंगे, 200 की रेंज में सेट कर दिया है क्योंकि ये 20 वोल्ट से ज़्यादा ही बनाता है, तो 200 वोल्ट पर सेट करके रखेंगे। और प्रोब को मैंने वोल्टेज के उसमें डाल दिया है। तो अभी देखते हैं वोल्टेज, तो ये देख सकते हैं 40 से ऊपर ही वोल्ट हमें बना के दे रहा है। तो जो इन्वर्टर दे रहा था वो कुछ गलत नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल सही बता रहा है। जो एम्पियर हमारे आ रहे हैं वो पूरे आ रहे हैं जितने ये बना सकता है, मतलब 9 एम्पियर। तो ये फिर से मैं एम्पियर चेक करा देता हूँ दोस्तों, सॉरी मैंने अभी गलती कर देता, मेरे को ये 10 एम्पियर पे सेट करना है। तो फिर से आप देख लीजिए फाइनली आप ये एम्पियर कितने बना रहा है। तो ये एम्पियर देख सकते हैं 9 एम्पियर के आसपास है, 8.67123 ऐसा ही कुछ एम्पियर बन रहे हैं। तो ये 9 एम्पियर ही माने जाएंगे क्योंकि इस पर इतनी इस पे भी छाया है, इस सेल ने पे भी छाया है और कुछ मेरी छाया पड़ रही है, तो इसलिए 9 एम्पियर जितने इसकी क्षमता है उतने ही बना रहा है। तो इन्वर्टर भी इतना ही कुछ दिखा रहा था, तो बिल्कुल ठीक इन्वर्टर दिखा रहा है। आउटपुट उसकी इतनी सोलर पैनल की वो जो दिखा रहा है वो बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही दिखाना था मुझे, संडे था और बारिश के बाद मुझे जब सोलर पैनल ठंडा होता है, क्योंकि अभी इतना गर्म नहीं है, अभी फ़िलहाल गर्म हो तो गया है बट उतना नहीं जितना कि चिलचिलाती गर्मी में होता है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 32-33 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर दिखाया हुआ है और 40-45 डिग्री सेल्सियस में थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन होती है, 19-20, बहुत नहीं 19-20। मान लीजिए कि जैसे कि अभी ये दे रहा है हमको 9 एम्पियर पूरे, तो तब वो 7-8 ऐसे होगा 45 के आसपास जब टेम्परेचर होगा। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो में आपको उम्मीद है काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी ये इन्वर्टर के बारे में। और अगर आप अब तक सोच रहे हैं कि इन्वर्टर ले या ना ले, तो उसके लिए आपको बड़ी हेल्प मिलेगी ये सब देखकर। तो दोस्तों अब आप डिसाइड करें कि आपको इन्वर्टर गामा प्लस लेना है या नहीं, या ये सोलर पैनल लेना है लूम सोलर का 350 वोल्ट का या 375 वोल्ट का आता है दोस्तों अब तो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इतना ही आपको बहुत हेल्प कर देगा अगर आप UTL गामा प्लस और या फिर लूम सोलर खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी डिसाइड करने में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।